कहाँ लगा हमारा बंगला? तुम्हारा बंगला? अच्छा है। कुछ बदले बदले से लग रहे हो राहुल। आज मम्मी डैडी के साथ तुम्हारी पहली मुलाकात थी, तुमने ठीक से बात तक नहीं की। वो मेरी तबीयत कुछ खराब है। हाँ हाँ, तुम्हारी तबीयत तो उस दिन से खराब है जिस दिन से संजना यहाँ आई है। हर बात में संजना को बीच में मत लाया करो प्लीज। एनी प्रॉब्लम बेटा? राहुल कुछ नाराज सा दिख रहा है। नहीं मामा, वो कल मेरी बर्थडे पार्टी है ना, तो कह रहा था कि तुमने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, सिर्फ उसकी दोस्त को भूल गई। उसकी दोस्त? हाँ, संजना। लगता है अब उसको पार्टी में बुलाना ही पड़ेगा। संजना वो शेखर, अब ये मत कहना कि ऐसे खड़े रहो, ऐसे बैठो, ऐसे मुस्कुराओ, ऐसे डॉल शेखर, मैं गुड़िया नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, मेरे सीने में भी दिल है, मुझे भी तकलीफ होती है। चलो संजना। हाय राहुल, बहुत बहुत मुबारक हो। संजना मैं तुम्हें यू नो समथिंग राहुल, यू आर अ बस्टर्ड, अंडरस्टैंड? और वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, वो मंगेतर, शी इज यू नो व्हाट शी इज। इसको भी पता है कि वो क्या है। She is a super जा रही हो? रुक के भी अब क्या करूंगी मैं? राहुल के बिना खुश रह सकोगी? राहुल के मिलने से पहले भी तो खुश थी मैं, आराम से जी रही थी, सब कुछ तो ठीक था। जानते हो शेखर, इंसान को तकलीफ होती है जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी, राइट? इतना मत मुस्कुराओ संजना, तुम्हारी आंखों में छुपे हुए आंसू बहुत साफ दिखाई देने लगते हैं। बस हार गई? हाँ शेखर, हार गई, थक गई अपनी किस्मत से लड़ते लड़ते। संजना, राहुल तुम्हें जरूर मिलेगा। कल उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि मंगनी उसने मजबूरी में की है। हाँ संजना, मंजिल तुम्हारे बहुत पास आ चुकी है, अब रास्ता मत बदलो, वो देखने की कोशिश करो जो मुझे दिखाई दे रहा है। क्या? मैं देख रहा हूं कि राहुल तुम्हारे साथ पेरिस वापस जा रहा है। मेरी तरफ मत देखो संजना, अपनी आंखें बंद करो,
बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। प्लीज संजना, बंद करो आंखें। अब देखो वो घर तुम्हें दिखाई दे रहा है जो तुम खरीदना चाहती थी। वो घर तुम खरीद चुकी हो और उसके आगे कुछ नहीं। संजना उदास मत हो, जो सपना तुमने अभी अभी देखा है वो सच जरूर होगा। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ, मैं स्पीक टू संजना। हाँ हाँ एक मिनट, राहुल का फोन है तुम्हारे लिए, कम ऑन। हेलो 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 संजना, कैसी हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ संजू। देखो देखो इनकार मत करना प्लीज, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। संजू मैं तुम्हारा हैप्पी होली में इंतज़ार करूँगा। ओके ए हेलो, क्या कहा राहुल ने? वो मुझसे मिलना चाहता है। इतनी खुशी की खबर तुम इस तरह सुना रही हो? क्या हो, क्या गया तुम्हें? कुछ नहीं। तो जल्दी से जाके तैयार हो जाओ और सुनो, चेहरे पे जरा मुस्कुराहट लाओ, लगता है ये हमारे नाटक का आखिरी सीन है। समझ में नहीं आ रहा कि बात शुरू कहाँ से करूँ संजना। जानती हो वो लोग बहुत बदनसीब होते हैं जिन्हें प्यार नहीं मिलता, लेकिन उनसे भी ज़्यादा बदनसीब वो लोग होते हैं जिन्हें प्यार मिलता तो है मगर वो लोग उसे पहचान नहीं पाते और उसे खो देते हैं। मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ संजना, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। कूल डाउन राहुल, मैं पुरानी बातों को भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। इंसान को अपने कल में नहीं आज में जीना चाहिए। अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं? सच बताओ क्या आज तुम अपने कल को भूल चुकी हो? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो संजना, वरना कल रात मेरी एंगेजमेंट पार्टी में शराब पीकर इतना तमाशा नहीं करती। कल रात मुझे भी एहसास हुआ कि निशा मेरे लिए नहीं बनी, वो एक अलग तरह की लड़की है और मेरा दिल कहता है कि तुम भी शेखर से प्यार नहीं करती। संजना तुम शेखर को सिर्फ मुझे जलाने के लिए लाई हो, उसके साथ तुम्हारा प्यार सिर्फ एक नाटक है। प्लीज मेरी इस गलती को माफ कर दो संजना, मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज। आई नीड यू संजू, आई नीड यू। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं हमेशा से यही तो चाहती थी कि राहुल मुझे वापस मिल जाए, फिर आज उसके वापस आने पर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? कहीं इसलिए तो नहीं कि मुझे शेखर से प्यार हो गया है? क्या हुआ? राहुल मेरे साथ वापस चलना चाहता है। मुबारक हो, मतलब कल परसों चली जाओगी? पता नहीं टिकट मिलेंगे या नहीं। टिकट्स की फिक्र मत करो, वो मैं ला दूंगा।
अचानक मुझे भगाने की इतनी जल्दी क्यों है? बहुत तंग किया है ना मैंने तुम्हें। ऐसी बात नहीं है, अब तुम जाओ तो मैं भी गांव जाऊं, बहन की शादी है, फिर अब तुम यहां रुककर करोगे भी क्या? तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल चुका। अली ने क्या किया? अली ने चीफ मिनिस्टर को गोली मार दी। नहीं, नहीं, नहीं! भाईजान, 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 बेटा, इन्हीं लाइफ नहीं ले अल्लाह तेरी हिफाजत कर, अल्लाह मुझे माफ कर दे, जितनी पहचान सका किसा नहीं कमा पाई हूं मैं। देखिए पेपर्स बनने में आधा घंटा और लगेगा, आप प्लीज बाहर वेट कर सकते हैं। कौनवीर बेटा तू कहां है, कैसा है? बाबूजी। वीर बेटे क्या बात है? मेरे भाई और आपके बेटे की तलाश में जो आया था, अब उसको कोई तकलीफ नहीं बाबूजी, कोई तकलीफ नहीं उसको। बाबूजी वो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे बेटे पे तेरा दर्द समझता हूं, मेरा फौजी बेटा भी वही है, वो
ख्याल रखेगा वहां, उसे बहुत प्यार देगा, तू चिंता मत कर। और सुन बेटे, तू रो मत, रो मत। वीर, ये लड़ाई उन लोगों ने शुरू की थी ना, तो इसे खत्म तू करना। जी बाबूजी। छोड़ना नहीं उन लोगों को। जी बाबूजी। बेटा तू कहाँ है, मैं आता हूँ तेरे पास। तेरी बहुत याद आ रही है, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ। नहीं बाबूजी। किसी ने अजान को मेरे सामने गोली मारी और मैं उसे पहचान भी नहीं सका कि वो मेरा भाई है, क्योंकि 3 साल मुझे कुछ भी नहीं याद था। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता। नहीं अली, खुद को सजा मत दो, खुद को सजा मत दो। तुम मुन्ना को खुश नहीं देखना चाहते। देखना चाहता। तो जहां मुन्ना है वो वहां हम सबसे कहीं ज्यादा खुश है। तुमने अपनी सारी जिंदगी उसका बहुत ख्याल रखा। आज ऊपर वाला चाहता है कि मुन्ना तुम्हारा ख्याल रखे, और अगर तुम अपने आप को इस तरह से तकलीफ देते रहोगे तो मुन्ना को भी बहुत तकलीफ होगी। बहुत तकलीफ होगी उसे। नहीं, मैं मुन्ना को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। अली, मेरी शादी हो गई। किससे? मुझसे। इंदर, कंग्रेचुलेशंस। मैं क्या करता यार, तुझे पता है तेरे जाने के बाद इसके साथ क्या क्या हुआ? पुलिस ने इसे कितना परेशान किया, इसे सुबह से शाम तक क्राइम ब्रांच में बिठा के रखते थे, बदतमीजी करते थे इसके साथ, पूछते थे बता तेरा आशिक कहां है, चीफ मिनिस्टर को गोली मार के भाग गया। नहीं यार, मैंने चीफ मिनिस्टर को गोली नहीं मारी। मुझे मालूम है यार, मुझे मालूम है। इसे हॉस्टल से निकाल दिया, इसे कोई अपने पास रखने को तैयार नहीं था। ये पागल तो खुदकुशी करने जा रही थी, इसलिए मैंने इसे सहारा दिया यार। तूने बहुत अच्छा किया अंदर, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। पर अली, तू इतने साल था कहां यार? 3 साल पहले मैं राजगढ़ की नदी में पड़ा हुआ मिला, कुछ भी नहीं याद मुझे। वहां मुझे बाबूजी, मां और एक लड़की मुस्कान, जिससे मेरी मंगनी हो गई। मैं तो यहां, ये क्यों हो गया यार? मैं तो आजाद के लिए आया था यहां पे, अपने मुन्ना के लिए आया था, और वो ही नहीं रहा। आइए, वो रहा। इंदर, इसी ने मारा है आजान को। अली, इस समय भूल जा इसको, तू भाग यहां से, तू भाग यहां से। अली जाओ, भाग अली यहां जाओ। क्या हो गया यार,
ये बात तू मुझसे पूछ रहा है? चीफ मिनिस्टर को गोली मारने के बाद ये बात तू मुझसे पूछ रहा है? मैंने उसे गोली नहीं मारी। तो किसने मारी है? तेरी वजह से हमें सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी यार। अरे नहीं यार, मैंने उस पर गोली चलाई भी नहीं यार। तेरी कसम, महक की कसम, मुन्ना की कसम, अल्लाह की कसम यार, मैंने उसे नहीं मारा है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया। कौन? मुझे याद आ गया, मैंने क्यों अंदर? मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा ली। कमिश्नर साहब, मैं ये सोचा था कि आपकी चाल है, और आप ही सोचते हैं कि मैंने सीएम को मारा है। नहीं, मैंने सीएम को नहीं मारा, मुझे सब कुछ याद आ गया। झूठ बोलते हो तुम। क्या याद आ गया तुमको? यही ना कि तुमने सीएम को यहां से गोली मारी, उसका भेजे यहां से बाहर आ गया, ये सब तुमने किया ली? नहीं सर। सर मैं कहां खड़ा था सर? तुम ऊपर खड़े थे। तो सर अगर मैं गोली चला था सर, तो ऊपर से आती और यहां से निकलती। गोली यहां से गई है और यहां से निकली है। समय उसे नहीं मारा, उसे इंदर ने मारा है। इंदर ने किया? वो ये सब क्यों करेगा? ये देखिए सर, 5 गोली मारी उसने मुझे। क्यों? क्यों? ठीक है, अगर मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं तो तुम ये सब साबित कैसे करोगे? सर जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई है, सहिंदर और मैंने हर मीटिंग को रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करते थे? जी सर, हमको आप पे भरोसा नहीं था सर। मुझे यकीन है कि इंदर आज भी करता होगा। सर मुझे 2 घंटे दे दीजिए, मैं आपको सारे सबूत ला के दिखा दूंगा। ठीक है अली, मैं तुम्हें अपने भरोसे पर सिर्फ 2 घंटे देता हूं। याद रहे, सिर्फ 2 घंटे। अली, महक, इंदर किधर है? इंदर तो घर पर नहीं है। तुम जानना नहीं चाहोगे कि चीफ मिनिस्टर किसने मारा, मुन्ना को किसने मारा, मुझे किसने मारने की कोशिश की? मुझसे ज्यादा और कौन जानना चाहेगा अली? तुम उसे जानती हो। कौन? तुम्हारा पति इंदर। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं मुझे सब कुछ याद आ गया। इंदर ही है। मैं कैसे यकीन कर लूं? अभी भी इंदर रिकॉर्ड करता है? हाँ? रिकॉर्ड करता है इंदर? हाँ। चीफ मिनिस्टर के साथ डील करते वक्त 10 लाख रुपए के ऑफर पर तुमने सबसे पहले हाँ कहा था। इसका मतलब है पैसों की ज्यादा जरूरत तुम्हें है, तुम्हारे दोस्त को नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि 50 लाख रुपए के लिए मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी करूंगा, अपने जमीर को बेच दूंगा, चीफ मिनिस्टर को गोली मार दूंगा, तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। हेलो। हेलो महक, क्या कर रही हो? इंदर, कहाँ हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? तुम अली, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नफरत, नफरत करती हूँ। इंदर, तू वहां क्या कर रहा है? मुझे सब कुछ याद आ गया है। तूने सीएम का खून किया है,
मुझे मारने की कोशिश की। और मुन्ना तू वहीं रुक, जाना नहीं। हाँ जाना तो अब तुझे, चल दिया, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। सर अली मुंबई पहुंच गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और इस समय मोहल्ले में है। तुम लोग किसी काम के आदमी नहीं हो। जानते हो मेरे लिए कितना खतरनाक आदमी है वो? अरे उसे मारने के लिए गांव में मैंने जितने आदमी भेजे थे सबके सबको मार डाला। सर वो वहां बच गया लेकिन यहाँ नहीं बच पाएगा।